भक्तों के साथ। 10 अगस्त को माता कलीसिया संत लॉरेंस का पर्व मनाती है। संत लॉरेंस का जन्म 225 ईस्वी में स्पेन में हुआ था। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे तो वह मेरा अनुसरण करे। संत लॉरेंस ने इसी कथन का पालन अपने जीवन में किया। प्रभु यीशु की शिक्षा के अनुसार वह गरीब, असहाय, लाचार, अनाथ, पीड़ित आदि लोगों के सेवा के लिए समर्पित था। संत लॉरेंस के बचपन के बारे में हमें बहुत कम जानकारी मिलती है। इतना तो ज्ञात है कि वह रोम के उपयाजक थे। उन्होंने संत पापा सिक्स्तुस द्वितीय के अधीन रहकर काम किया। उस समय रोम पर सम्राट वैलेरियन का शासन था, जिसके राज्य काल में क्रिस्तियों पर अत्यधिक अत्याचार हो रहा था। संत पापा सिक्स्तुस द्वितीय के शहीद होने के 4 दिन बाद ही संत लॉरेंस और 4 पुरोहितों को भी शहीद होना पड़ा। संत लॉरेंस की कब्र के ऊपर जो महामंदिर है वह आज रोम का प्रमुख तीर्थ स्थान बन गया है। संत मती के सुसमाचार में यीशु कहते हैं, मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। प्रभु यीशु के इन शब्दों ने संत लॉरेंस के जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया। एक पौराणिक कथा के अनुसार उपयाजक संत लॉरेंस को कलीसिया के चल संपत्ति का उत्तरदायित्व और गरीबों को दान देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जब संत लॉरेंस को मालूम हो गया कि वह भी संत पापा सिक्स्तुस के समान गिरफ्तार होने वाला है, तब वह गरीबों, विधवाओं, अनाथों को ढूंढकर उसके पास जो भी धन दौलत था उसे उन्हें दे दिया। उन्हें 258 में सम्राट वैलेरियन के तहत गिरफ्तार किया गया था। जब रोम के अधिपति ने ये सुना तब उसने सोचा कि ख्रिस्तियों के पास बहुत धन होगा। उसने संत लॉरेंस को बुलाकर कहा, तुम ख्रिस्ती सोचते हो कि हम निर्दयी हैं, मगर हम वैसे नहीं हैं। तुम्हारे पुरोहित सोने और चांदी के कप में पवित्र रक्त को भेंट चढ़ाते हैं और तुम्हारे पास संध्या वंदना के लिए जो सोने का बत्तीदान है उनको मुझे दे दो, क्योंकि तुम्हारा धर्म सिद्धांत कहता है कि जो कैसर का है उसे कैसर को दे दो। सभी धन संपत्ति को सम्राट को दे दो, क्योंकि सैन्य शक्ति को चलाने के लिए इन चीजों की जरूरत है। ईश्वर को धन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर वचन के सिवा इस दुनिया में कुछ नहीं लाया था। इसलिए धन को दे दो और वचन में तुम धनी बन जाओ। संत लॉरेंस ने अधिपति को उत्तर दिया, सचमुच कलीसिया के पास धन है, मगर चल संपत्ति की सूची बनाने के लिए मुझे समय दीजिए। 3 दिन के बाद संत लॉरेंस अंधे, लंगड़े, अनाथ, विधवाओं को इकट्ठा करके पंक्ति में खड़ा कर दिया और अधिपति से कहा, ये है कलीसिया की संपत्ति। यह सुनकर अधिपति क्रोध से आग बबूला हो गया और संत लॉरेंस से कहा, तुम सचमुच मरना चाहते हो। इसके बाद अधिपति ने एक बहुत बड़ा लोहे की कड़ाही बनवाई और उसके नीचे कोयला रखकर आग जलवाया और उसके ऊपर संत लॉरेंस के शरीर को रखवा दिया, जिससे उसका शरीर आग में जलने लगा। इसके बावजूद भी संत लॉरेंस ने कहा, यह अच्छा किया, अब दूसरे तरफ पलटने के बाद खा लो। इस प्रकार संत लॉरेंस प्रभु यीशु के लिए शहीद हो गए। आज संत लॉरेंस गरीबों का और लाचारों के संरक्षक संत माने जाते हैं। हे संत लॉरेंस, हमारे लिए प्रार्थना कर।